भगवान श्री कृष्ण ने जिस भूमि को गोमाता के स्पर्श से पावन किया, आज उसी महातीर्थ से जारी है गो सेवा एवं गो रक्षा का राष्ट्रव्यापी रचनात्मक महाअभियान। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक गौशाला श्री गोधाम महातीर्थ आनंद वन पथमेड़ा। जय गो माता, जय गोपाल। गोधूली बेला में सांझ के सुरमई पल को सजाता पंछियों के कलरव का सुरीला संगीत, घर को लौटती ये गायें और उनके पग से उड़ती धूल का सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। राजस्थान की मलमल सी मरुभूमि की ये सुनहरी पगडंडियां हमें ले जा रही थी एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहां प्रकृति ने कामधेनु, कपिला और सुरभि के गोवंश का स्वर्ग रचा है। राजस्थान की पावन भूमि में बसी है दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गौशाला श्री गोधाम महातीर्थ आनंद वन पथमेड़ा। गोरक्षा एक महाअभियान। प्रकृति और मानवता को ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है गाय। गाय अखिल विश्व की माता है। गाय से ही इस लोक का अस्तित्व है। यही पंच महाभूतों की माता है और इससे ही भूत, भविष्य और वर्तमान है। राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है श्री गोधाम महातीर्थ आनंद वन पथमेड़ा। ये सड़क मार्ग से सांचोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और अहमदाबाद से यहां लगभग 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। केर और जाल के हरे भरे वन और उनमें विचरती गायों का अद्भुत दृश्य, मानो गोसेवा के महान कार्य के लिए प्रकृति ने इसे खास तौर पर चुना है। भगवान श्री कृष्ण ने सावन भादो के महीने में मथुरा से द्वारका जाते समय वृंदावन की प्यारी गोमाताओं को रखने के लिए इसी वन को चुना था। इसलिए यहाँ के लोगों में कृष्ण भक्ति और गोसेवा का भाव देखने को मिलता है। किसी कवि ने सही कहा है, को कवि वर्णन करी सके पथमेड़ा का मूल, इसके कण कण में बसी है कृष्ण चरण की धूल। ये महातीर्थ भगवान श्री कृष्ण, कल्पगुरु दत्तात्रेय और कामधेनु की साधना का पावन स्थान है, जो सावित्री, बनास और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यहां मारवाड़, काठियावाड़ और थापरकेर के गोपालन की संस्कृतियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। वो माता की सेवा को लेकर के जो अनुष्ठान, जो आंदोलन, जो क्रांति पथमेड़ा धाम से चल रही है, श्रद्धे पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज जी के इशरा में, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से यह धरती पर एक अलौकिक काम है, ईश्वरीय काम है। श्री गोधाम महातीर्थ के संस्थापक एवं संरक्षक परम पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी 9 वर्ष तक हिमालय में तप करने के बाद सन 1992 में दैवी प्रेरणा से चातुर्मास के लिए पथमेड़ा की पावन भूमि पर पधारे। चातुर्मास समाप्त होने के बाद स्वामी दत्त शरणानंद जी ने समाज जागरण का कार्य किया और लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।
उन्होंने योग शिविरों और गो रक्षा अभियान के माध्यम से गो सेवा की महत्ता और प्रासंगिकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। केर और जाल के ऋषितुल्य वनों की छांव में बसी पथमेड़ा की गौशालाएं 600 एकड़ के क्षेत्र में फैली हैं। यहां की भूमि में गो सेवा और गो भक्ति की अनुभूति होती है। यहां का वातावरण बहुत पवित्र है, इसमें एक अलौकिक प्रकार का स्पंदन है। और ये यहाँ पर जाल की जो वृक्ष है, जिनको परम श्रद्धे पूज्य स्वामी दत्त सनानंद जी महाराज, जिनको ऋषि कहते हैं, कि इन गायों की रक्षा करते हैं धूप से, सर्दी से, गर्मी से, वर्षात से। और इस विशाल जंगल के बीच, चिड़ियों की चेचहाट के बीच, अलग अलग पक्षियों के कलरव के बीच, यहाँ गो माता की सेवा करके बड़ा आनंद आता है। पथमेड़ा की पावन भूमि में समय समय पर संतों का आगमन होता रहता है। यहाँ के ज्ञान, भक्ति और योग शिविरों में भाग लेने के लिए लाखों लोग देश विदेश से आते हैं और बड़े बड़े संतों और ज्ञानी जनों का मार्गदर्शन पाते हैं। पथमेड़ा की भूमि एक तपोभूमि होने के साथ साथ एक अत्यंत रमणीय स्थान भी है, जिसको देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में जारी गोसेवा अभियान को 9 चरणों में लागू किया गया है। गो संरक्षण, गोपालन, गो संवर्धन, पंचगव्य परिष्करण एवं विनियोग, केचुआ खाद, स्वावलंबन, सत्संस्कार, सुवृष्टि यज्ञ, स्वाध्याय एवं सत्साहित्य। ये गोसेवा अभियान पूरी तरह से एक भावपूर्ण रचनात्मक आंदोलन है, जो पूरे देश और दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की स्थापना से देश भर में गो भक्तों में गो सेवा की नई चेतना का संचार हुआ। 5,000 नई गौशालाओं की स्थापना की गई। गौमूत्र का पेटेंट करने की पहल श्री गोधाम महातीर्थ की प्रेरणा से हुई। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा आंदोलन में श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला, जो कि मुख्य गौशाला है, शेष पूरे राजस्थान में फैली हुई है। इन तमाम गौशालाओं के, चाहे वो चारा हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे गौवंश के रखरखाव और सेवा शुश्रूषा की बात हो, तमाम प्रबंध गोधाम पथमेड़ा से ही होता है। परम श्रद्धेय स्वामी दत्त शरणानंद जी की पहल से शुरू हुआ ये गो सेवा का अनुष्ठान आज लाखों गायों की सेवा और गो रक्षा का महाअभियान बन गया है। गाय प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे उपयोगी जीव है। ये पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर देती है और भूमि को उपजाऊ बनाती है। आज गाय के महत्व को विज्ञान और चिकित्सा जगत ने शोध कार्यों के बाद पूरी तरह से मान लिया है। गाय जितना उपयोगी और कल्याणकारी जीव इस दुनिया में कोई नहीं है। आयुर्वेद में गाय के उत्पादों से बनी पंचगव्य और गौमूत्र पर आधारित औषधियों का विशेष महत्व है। ये औषधियां भारत में आदिकाल से प्रचलित हैं। पश्चिमी शोधकर्ताओं ने गौमूत्र पर व्यापक शोध कार्य किया और इस बात को माना कि गौमूत्र में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कारक और कैंसर रोधी यौगिक हैं। हाल ही में अमेरिका में गौमूत्र को औषधि के रूप में पेटेंट किया गया है। कैंसर, एड्स और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में गौमूत्र अत्यंत लाभदायक है। गाय का गोबर स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। ये एक जैविक खाद होने के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत भी है। गोबर से बना केंचुआ खाद भूमि को उपजाऊ और फसल को पोषक बनाता है। पथमेड़ा में 10 टन केंचुआ खाद प्रतिदिन बनाया जाता है और यहाँ 100 टन केंचुआ खाद बनाने की क्षमता है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की गौशालाएं गौ सेवा के प्रति लोगों के दिलों में समर्पण का भाव जगाती हैं। स्वामी दत्त शरणानंद जी ने यहाँ भक्ति योग और कर्म योग को विज्ञान से जोड़कर गौ सेवा को एक नया आयाम दिया है।
यहाँ गो संरक्षण का कार्य पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। यहाँ गायों को न केवल कसाईयों से बचाया जाता है बल्कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी की जाती है। गो संरक्षण और गोपालन का कार्य करने के लिए यहाँ 2000 से भी ज्यादा गो सेवक हैं। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा ने बाढ़, सूखे और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गो सेवा के कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजस्थान में भीषण अकाल के दौरान गोपालकों ने गोवंश को उपेक्षित छोड़ दिया था। गायें भूखी प्यासी गांव गांव और नगर नगर निराश्रित भटकने लगी। इस भीषण स्थिति में गायों को प्लास्टिक और कचरा खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वामी दत्त शरणानंद जी ने ईश्वरीय प्रेरणा से लाखों अकाल पीड़ित और उपेक्षित गायों को आश्रय देकर श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा को बहुत बड़े पुण्य का सहभागी बनाया। श्री गोधाम महातीर्थ में गोसेवा का सबसे संवेदनशील विभाग है धनवंतरी। ये पथमेड़ा की गोशालाओं का गो चिकित्सा विभाग है। यहाँ बीमार गायों की देखभाल की जाती है। बीमार, विकलांग और नेत्रहीन गायों का दुख देखकर आंखें भर आती हैं। यहाँ 1000 से भी ज्यादा बीमार गायों की सेवा की जा रही है। इन बीमारियों से जूझती गायों की असहाय दशा को देखकर मन करुणा से भर जाता है। यहाँ डॉक्टरों और गोसेवकों की टीम उनका इलाज करती है। विकलांग गायों की लाचार अवस्था देखी नहीं जाती। इन बीमार गायों को आवश्यकता है सेवा, सही इलाज और सहानुभूति की, जो कार्य धनवंतरी विभाग में गोसेवक पूरे समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये है एक कैंसर से पीड़ित गाय। ऐसी कई गायों को कैंसर विभाग में रखा गया है। बहुत ही करुण होती है नेत्रहीन गायों की स्थिति। वो दूसरे पर निर्भर होती है और उनकी देखभाल में विशेष ध्यान देना पड़ता है। गायों को लाने के लिए धनवंतरी में विशेष गो चिकित्सा वाहन है, जो दूर दराज के इलाकों से बीमार गायों को धनवंतरी लेकर आता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करती है और दवाएं देती है। यहाँ गायों के उपचार के लिए डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं के साथ सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोपालन, ये गोसेवा का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। पथमेड़ा में गोपालन की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। यहाँ गायों को पोषक आहार और दवाइयां दी जाती है। गोपालन के बाड़ों में ग्वाले और ग्वालने उनके चारे और पानी की समुचित व्यवस्था करते हैं। गाय के बाड़ों की सफाई, अनुशासन और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। पथमेड़ा की गोशालाओं में कुल 80 बाड़े हैं। इनका कुशल प्रबंधन गोसेवकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। श्री गोधाम महातीर्थ में गोसेवा का कार्य 3 स्तरों पर किया जा रहा है। पहला स्तर संत वृंद, ब्रह्मचारी और साधक वर्ग। दूसरा स्तर वानप्रस्थी और अवैतनिक लोग। और तीसरा स्तर वैतनिक लोग। पथमेड़ा की गोशालाओं में गायों के लिए प्रतिदिन हरे चारे और सूखे चारे की गाड़ियां मंगाई जाती है। इनको रखने के लिए भंडारण और वितरण की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। संवर्धन, गोसेवा और गो रक्षा अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है संवर्धन विभाग। यहाँ गायों का उत्तम नस्ल के नंदी बैल से गर्भाधान कराया जाता है, जिससे उत्तम नस्ल की गायों का वंश बढ़ता है। गोसेवा में संवर्धन विभाग का सबसे बड़ा योगदान है। इससे अच्छी नस्ल के गोवंश की वृद्धि होती है। साथ ही गोवंश की नस्ल को क्रॉस ब्रीडिंग से होने वाले दुष्परिणामों से बचाया जा सकता है। गो उत्पादों के औषधि गुणों का साकार रूप है
कामधेनु पंचगव्य औषधालय, जहां रोगों का निदान और औषधियों का निर्माण किया जाता है। यहां पर पंचगव्य की नाना प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। पंचगव्य के अंदर दूध, दही, घी, गोमय रस तथा गोमूत्र व विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को समावेश करके अनेक प्रकार के रोगों की औषधियों को तैयार किया जाता है। यहाँ की पंचगव्य और गौमूत्र की औषधियों से लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। आज हम अपने आसपास जरा गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि जिस देश में गायों की पूजा होती थी, उसी देश में गोवंश पर अस्तित्व का संकट छा रहा है। यहाँ आकर हमें पता चला कि आज भारतवर्ष में गोवंश को हर तरफ से खतरा है। कामधेनु, कपिला और सुरभि के दिव्य गुणों की विरासत वाले गोवंश के संरक्षण और संवर्धन की आज जितनी जरूरत है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज हर गांव, शहर और महानगर में गोवंश पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। गायों की तस्करी और गोवध पर प्रतिबंध लगाने की तमाम कोशिशें विफल हो रही हैं। गोवंश की अवैध ढंग से कटाई पर रोक लगानी होगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश को गोवंश की हत्या से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गोवंश की उपेक्षा और दुर्दशा को तुरंत रोकने के लिए देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है। आज हमारा जो देश है, इसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भ्रष्ट लोगों ने फैला दी कि गाय की हत्या हो रही है, तो इसमें पूरे समाज को, पूरे देश को इसमें नुकसान हो रहा है, न कि कोई व्यक्ति विशेष या कुछ संप्रदाय विशेष को इसका नुकसान हो रहा है, पूरे देश को, पूरे समाज को इसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि गायों की जिस तरह से हत्या की जाती है, उस हत्या से एक पूरा वाइब्रेशन फैलता है, वो वाइब्रेशन पूरे पृथ्वी पर, पूरे पर्यावरण में घूमता है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, अकाल होता है, भूकंप आता है, ये सारी गो हत्या से होती है। इसलिए हमको गो हत्या पूर्ण रूप से बंद करनी होगी। इसमें पूरे समाज की तो जिम्मेदारी है ही, साथ साथ हमारी पूरी सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और जो कानून आज बने हुए हैं विभिन्न तरह के, उनको हमको चेंज करना पड़ेगा। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसकी मनुष्य को बहुत अहम आवश्यकता है, इसलिए गाय को एक राष्ट्रीय प्राणी घोषित करके उस पे विशेष कानून लागू करके गोहत्या पे प्रतिबंध करना पड़ेगा। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गो सेवा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। गो सेवा के इस विराट अभियान में प्रतिदिन बड़ी बड़ी चुनौतियां आती है। गौशालाओं के लिए संसाधन, चारा, दवाएं और सेवाभावी कार्यकर्ताओं की हर पल जरूरत पड़ती है। पथमेड़ा से कई अभिनव गो संवर्धन योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें सबसे विशेष है ऋषिकुल नंदीग्राम परिसर में स्थित नंदीग्राम प्रकल्प, जो गो सेवा को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। पर्यावरण एवं कृषि को नष्ट होने से बचाने के लिए गो सेवा और गो संवर्धन ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर गायें बचेंगी तो सृष्टि बचेगी। गो सेवा का ये विराट अभियान भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से, संतों के संकल्प से और गो भक्तों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा का राष्ट्रव्यापी रचनात्मक गो सेवा महाभियान आज देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। संपूर्ण भारत में गो रक्षा और गो भक्ति की भावनाओं का पुनर्जागरण हो रहा है। आज हर किसी को गो सेवा और गोवंश के कल्याण के बारे में सोचने की आवश्यकता है। परम पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी के शब्दों में कहें तो, पंचगव्य ही एकमात्र सत्व का स्रोत है। गौ माता बचेगी तो विश्व बचेगा। परमात्मा आप सबको निरंतर गो सेवा करते रहने की समझ और शक्ति प्रदान करे। सभी देशवासियों से आह्वान है कि गो सेवा के इस राष्ट्रीय रचनात्मक महाभियान में सहभागी बने और श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की भूमि पर अवश्य पधारे। पथमेड़ा की पावन भूमि को शत शत नमन। जय गो माता, जय गोपाल।
कामधेनु क्रांति की तपन को नमन है, गौशाला गोपालों के हवन को नमन है, और दूध दधि घृत की जो नदियां बहाने वाली गो माता के पावन अमन को नमन है जी। गो माता के पावन अमन को नमन है। आनंद मन पथमेड़ा भूमि पावन मानी जाती है, आनंद मन पथमेड़ा भूमि पावन मानी जाती है, कृष्ण कन्हैया लाल की अब विश्रांति जानी जाती है। ब्रह्म स्वरूपा गाय कृष्ण वृंदावन से लाई थी, दूध दही की नदियां बहती मुरली की धुन छाई थी। कामधेनु कृष्ण दत्त त्रिवेणी का संगम है, कामधेनु कृष्ण दत्त त्रिवेणी का संगम है। पथमेड़ा गौशाला का दृश्य ही बड़ा विहंगम है, पथमेड़ा गौशाला का दृश्य ही बड़ा विहंगम है। गो माता का भूमंडल पर जब से यहाँ अवतार हुआ, होती थी सेवा माता की राम राय साकार हुआ। इसकी शक्ति से धरती पर संतुलन जो रहता था, ना ही विपदा दिन ही ना ही कोई संकट रहता था। जब से हमने भुला दिया गो माता के उपकारों को, जब से हमने भुला दिया गो माता के उपकारों को, तब से नव पीढ़ी भूली है नैतिकता संस्कारों को, तब से नव पीढ़ी भूली है नैतिकता संस्कारों को। गो माता को पशु न समझो, गो माता को पशु न समझो, दिव्य गुणों का सागर है, ना मानव इसका चरवैया वो बंसी नटवर नागर है। इसकी पूजा तन मन में अपने देवत्व जगाती है, वो गव्यों के सेवन से ये सारे रोग भगाती है। शुद्ध बुद्ध खोकर भटक गए क्यों आओ करे विचार सभी, शुद्ध बुद्ध खोकर भटक गए क्यों आओ करे विचार सभी, हाथ उठाकर करो समर्थन जय गो माता।